स्वागत है आपका इजिवेंटस में। आज अपन बात करेंगे एमआई अमीरात वर्सेस विपर के बीच होने वाले यूए T20 लीग के मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर, जिससे कि अपन लाखों रुपए विन कर सकते हैं। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और देखेंगे इस वेन्यू पे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। पेसर ज्यादा विकेट लेंगे, स्पिनर, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में बताऊंगा मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर। भाई लास्ट गेम जो गोल्फ और विपर का हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था सिमरन हेटमाइट, इरास्मस और पति राणा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बने थे, दोनों तीनों ही प्लेयर, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट वाला मैच था उसमें मैंने आपको बताया था आर रकीबुल्ला खान, रोफेल वेंडी मार्वे और इमाद वसीम, भाई तीनों ही प्लेयर ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी। यानी कि दोनों मैच कल के अपने बहुत ही शानदार रहे थे। सभी लोअर सिलेक्शन परसेंटेज जो प्लेयर मैंने बताए थे उनमें से पिक हुए थे, ठीक है। सीवीसी मैंने बताया था आपको, भाई रसल शानदार प्लेयर है, होल्डर को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के मैच में बताऊंगा किस प्रकार से आपको सीवीसी का चयन करना है और लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर किस प्रकार से आपको पिक करना है, क्योंकि ये मैच है, ये डे मैच रहने वाला है, तो इसके लिए आपको किस प्रकार से अलग टीम बनानी चाहिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा शेख जियाद स्टेडियम आबू धाबी में, ये मैच खेला जाएगा। यहाँ देखो आबू धाबी की टीम 183 बना रही है 10 विकेट के नुकसान पर, जिसको दुबई की टीम चेज नहीं कर पाती। भाई नाइट के मैच में स्कोर ये चेज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बड़ा स्कोर लग गया था बोर्ड पे। 11 विकेट पेसर को मिले, 6 विकेट मिले थे स्पिनर को। शारजा 129 पे ऑल आउट, एम आई अमीरात आसानी से चेज करते 8 विकेट से मैच को जीत लिया। 6 विकेट पेसर को मिल रहे हैं, स्पिनर को मिल रहे हैं 5 विकेट। गोल्फ जायंट्स 161 पे 6 आबू धाबी की टीम स्कोर को चेज कर जाती है, 5 विकेट पेसर निकालते हैं और 5 विकेट निकालते हैं स्पिनर। आबू धाबी 188 पे 5, जिसको एम आई अमीरात की टीम चेज कर रही है, 6 विकेट पेसर को मिल रहे हैं, स्पिनर को मिल रहा है 1 विकेट। विपर 154 पे 8, आबू धाबी चेज करिए 5 विकेट पेसर को, 5 विकेट स्पिनर। देखा जाए तो लास्ट 5 गेम में एक ही बार ऐसा हुआ है, लास्ट 5 क्या इससे पहले भी मैचों में स्कोर यहाँ पे चेज ज्यादा होता है, ठीक है, इस वेन्यू पे, ठीक है। ये मैच जिसमें स्कोर चेज नहीं हुआ, और हाँ आज के मैच में भी ऐसी संभावना बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि डे का मैच है तो ड्यू फैक्टर इतना आएगा नहीं सेकंड में भी, तो मैच काटेगा रहने वाला है, बहुत ही शानदार ये मैच आपके लिए रहने वाला है। बाकी विकेट कॉलम है, देखो पेसर स्पिनर दोनों को यहाँ पे विकेट मिल रहे हैं, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आपको लेकर चलना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखो आप जो लास्ट मैच हुआ था, भाई एम आई अमीरात को हराया था विपर की टीम ने, ठीक है। जो ड्रीम टीम थी वो इस प्रकार थी, आजम खान, रदरफोर्ड, टीम डेविड, यहाँ से निकोलस पूरन, फ्लेचर, विलास मोहम्मद, यानी तीनों प्लेयर इनके जो टॉप प्लेयर है एम आई अमीरात के वो फ्लॉप हुए थे। इसके अलावा डीजे ब्राव और हसरंगा, बॉलिंग से आपको 6 बॉलर दिखे थे, मोहम्मद आमिर कैप्टन आया था, एम रोहित खान, भाई ध्यान में रखना इस प्लेयर को, बहुत बार परफॉर्मेंस दे चुका है, कंटिन्यू आपको मैं बता रहा हूँ टीम में रखना ही आपको। लुकवुड, फैजल फारूकी, पति राणा और सैनशाह अफरीदी ड्रीम टीम में दिखे थे, यहाँ पे बोल्ट भी फ्लॉप हुए थे, इसलिए बोल रहा हूँ काफी ऐसे प्लेयर थे, एलेक्स हेल भी फ्लॉप हुआ था, काफी मेन मेन प्लेयर्स इस गेम में फ्लॉप हुए थे, फिर ऐसा चांस बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि सामने से बॉलर, बताऊंगा किस प्रकार से कौन सा प्लेयर किस प्रकार से आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। यहाँ देखो पॉइंट टेबल की बात करते हो, एम आई अमीरात है वो टॉप पर बनी हुई है, 7 मैच में से 5 मैच जीती है, 2 ही लॉस किए, टॉप पर है। बाकी विपर की टीम 7 मैचों में केवल 3 मैच जीती है, लेकिन फिर भी जो लास्ट हेड टू हेड मैच है इनको हराया तो मैच काटेगा रहने वाला है। बात करते हैं एम आई अमीरात की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, भाई विलास मोहम्मद के साथ ओपन करेगा कुशाल परेरा, उसके बाद आपको नजर आ जाएगा फ्लेचर, निकोलस पूरन, अंबाती रायडू, टीम डेविड, अकील हुसैन, डीजे ब्राव, एम रोहित खान, ट्रेंट बोल्ट, फैजल फारूकी और स्लिम केली आपको खेलता हुआ नजर आएगा। अब ये टीम चेंज क्या करेगी, लास्ट गेम देखो ओडियन स्मिथ खेला था, अगर ब्राउन नहीं खेलता तो ओडियन स्मिथ फिर से आपको खेलता हुआ नजर आएगा। बाकी जो भी चेंज होगा मैच रिलेटेड, जो भी अपडेट रहने वाले सब मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन कर लो। अब ज्वाइन करने का फायदा है कि जैसे लास्ट गेम में इरास्मस खेला तो मैंने आपको बोल दिया भाई इरास्मस को आपको लेना है, ठीक है। इसलिए बहुत से ऐसे प्लेयर्स कई बार खेल जाते हैं, उनके बारे में आपको जो सूचना है वो देनी रहती है, इंपॉर्टेंट सूचना उनकी रहती है प्लेयर्स की, ठीक है। बाकी कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रखना वो भी मैं वहां पे आपको बताता हूँ जीएल के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ देखो आप विलास मोहम्मद को देखो, 19-26 नॉट आउट, 0-89 नॉट आउट, 19-37, भाई कमाल की बैटिंग दिखाई इन सीनियर्स प्लेयर के बीच, बहुत ही अच्छी धाक जमाई अपनी यूए की इस लोकल प्लेयर ने, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये कई बार जल्दी आउट भी होता है, तो दोनों ही पक्ष है इसके, तो आप इस पे रिस्क भी ट्राई कर सकते हो, बाकी अपनी टीम में भी लेकर चल सकते हो। बात करते हैं कुशाल परेरा, अच्छा दिखा है भाई, 22-42-54-0-47, भाई एक मैच में डक पे आउट हुआ, इसके अलावा सभी मैचों में परफॉर्मेंस दी है, अच्छा प्लेयर है कुशाल परेरा, इंपोर्टेंट पिक आपके लिए बन सकता है। फ्लेचर को देखो आप, 31-28 बैटिंग नहीं आई, 42 बैटिंग नहीं आई, 18-22 नॉट आउट, भाई सभी मैचों में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जो इनका टॉप ऑर्डर है अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अगेंस्ट इनके जो एक मैच खेला था वो इन सभी प्लेयर्स का थोड़ा सा खराब रहा था, इसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंस रही है। निकोलस पूरन को देखो 51,
39-37, 37-33, 17-24 भाई आजकल चेज में तो बहुत ही तगड़ा खेल रहा है, चेज में बहुत ही तगड़ा खेल रहा है, मैच को पूरे को फिनिश कर रहा है निकलस पोल। ठीक है, तो इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा, लेकिन ये फंस भी सकता है भाई आज के मैच पे। किस प्रकार फंस सकता है आगे मैं बताऊंगा आपको, वीडियो को आपको पूरा देखना, ध्यान से समझना है, हर एक इंपोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अंबाते रायडू को देखो आप, 32-15, 1-25 बैटिंग नहीं है, 7 बैटिंग नहीं है, 23, तो बैटिंग कम आती है, तो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर आपके लिए रहेगा। चाहो तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लेना, बाकी कोई खास प्लेयर रहेगा नहीं। टीम डेविड 27-41 बैटिंग नहीं है, 20-10-28 लास्ट गेम में बैटिंग नहीं है, बॉलिंग की थी जब वहां पे इसको विकेट नहीं मिले। तो भाई इसके पास एडवांटेज ये है कि देखो टीम इसको प्रमोट करती है कई बार मैच को फिनिश करने के लिए, तो वहां पे आपको पॉइंट दे सकता है। प्लस कई मैचों में आपने नोटिस किया होगा इसकी फील्डिंग के पॉइंट भी आपको 20 पॉइंट तो आसानी से मिलेंगे। ठीक है, और कई बार ये इसकी बैटिंग आ गई तो फिर इसका ड्रीम टीम में आना लगभग कन्फर्म हो जाता है। अकील हुसैन 2 विकेट 0 0, उसके बाद 2 विकेट 4 विकेट 0, 24 रन प्लस 0, लास्ट गेम में 2 विकेट। भाई अकील हुसैन बहुत ही शानदार गेंदबाज है, हालांकि कई बार विकेटलेस भी रहा है, लेकिन जब विकेट लिए हैं तो बहुत ही अच्छे विकेट इसने निकाले, अच्छी गेंदबाजी करता है, प्लस बैटिंग बैकअप भी इसके पास रहने वाला है। ब्रावो को देखो 1 विकेट 0 1 विकेट 1 विकेट 0 10 रन नॉट आउट प्लस 2 विकेट। लास्ट गेम ब्रावो नहीं खेला था, ओडियन स्मिथ खेला था, अगर वो खेलता है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि लास्ट गेम में उसका कोई यूज टीम ने नहीं किया था, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो ब्रावो भाई लास्ट टाइम जब इनके अगेंस्ट खेला था तो अच्छे 2 विकेट निकाले थे, इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। एम रोहित खान 2 विकेट 0 3 विकेट 0 0 3 विकेट 1 विकेट, भाई लास्ट दो गेम अच्छे रहे, इससे पहले भी शानदार 3 विकेट निकाले थे, बीच में एक मैच में टीम ने ज्यादा बॉलिंग नहीं दी थी, अब टीम बॉलिंग दे रही है, ओपन डेथ में भी इसको बॉलिंग मिल रही है। बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की, ट्रेंट बोल्ट को देखो भाई 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट, भाई जो लास्ट सीजन इसका रहा था सेम वैसा ही सीजन घट रहा है, हर मैच में इसको विकेट मिल रहा है, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, इंपॉर्टेंट पिक फिर से आपके लिए रहने वाला है, अच्छे विकेट निकालता है, ओपन डेथ में भी आजकल गेंदबाजी करता है, डेथ में भी तो अच्छे विकेट वहां पे भी इसको मिलता है, तो भाई मस्ट पिक आपके लिए रहने वाला है इंपॉर्टेंट मैचों में। ठीक है, फैजल अख फारूकी की बात करते हैं, 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो भाई ये टॉप टीम इसलिए क्योंकि इनके जो सभी बॉलर्स है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इनके साथ एक ऐसा बॉलर चल रहा है भाई सलीम केली, पहले मैच से मैंने आपको बोल दिया था, जब से मैंने बोल रहा था भाई ये सब्स्टिट्यूट में आएगा और आपको ड्रीम टीम के पॉइंट्स हमेशा देगा, अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है। यहाँ देख लो आप, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, सभी मैचों में विकेट निकाले भाई, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, इंपोर्टेंट रहेगा, अकील हुसैन से भी ज्यादा विकेट इसने लिए इस बार, तो इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसका सिलेक्शन कम रहने का सबसे बड़ा रीजन रहता है कि ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में रहता है। ठीक है, टीम यूज इसको हमेशा कर रही है, तो इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। यहां से कोई खेलेगा नहीं, ओडियन स्मिथ खेलता है, तो कोई खास बॉलिंग अगर टीम करवाएगी तो इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी बात करते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की, भाई मोहम्मद वसीम को देखो आप, 3 मैचों में 110 रन 37 की एवरेज है, और वेन्यू पे 10 मैचों में 345 रन 38 की एवरेज, तो भाई मोहम्मद वसीम अच्छा प्लेयर है, अगेंस्ट भी अच्छा खेल रहा है, और वैसे भी कुशाल करेला लास्ट टाइम जब हेड टू हेड हुआ था उसमें डक पे आउट हुआ था, लेकिन इस सीजन जो 3 मैच इस वेन्यू पे खेले उसमें 126 रन बनाए और 39 की एवरेज है, और हर मैच में परफॉर्मेंस दिए, तो आप ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर है कुशाल परेरा। फ्लेचर 3 मैच में 89 रन 30 की एवरेज, वेन्यू पे 9 मैचों में 232 रन 30 की एवरेज, तो भाई इनका टॉप ऑर्डर अच्छा चल रहा है। बाकी देखो लास्ट गेम में पूरा अच्छा टॉप ऑर्डर भी इनका कोलेप्स हो गया था, तो देखो रिस्क तो बनता है जीएल के लिए, आप किस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन थोड़ा घुमा सकते हो। निकलस पोरन 2 मैचों में 74 रन 37 की एवरेज, 15 मैचों में 421 32 की एवरेज, भाई रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं निकलस पोरन के। टीम डेविड 1 मैच में 28 रन है, वेन्यू पे 9 मैचों में 231 रन 58 का एवरेज है, यानी कई बार नॉट आउट ज्यादा रहता है। अकील हुसैन ने 3 मैचों में केवल 1 विकेट अगेंस्ट निकाली, तो भाई अकील हुसैन पे आप रिस्क ट्राई कर सकते हो, भाई वेन्यू पे भी 10 मैच में केवल 8 विकेट ही है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चांस बन रहा है अकील हुसैन पे, इसकी बजाय आप सलीम केली को अपनी टीम में रख सकते हो। बाकी अकील हुसैन देखो पावर प्ले में एलेक्स हेल को आउट करने के ज्यादा चांस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टाइट लेंथ डालता है स्टार्टिंग में, तो वहां पे आउट कर देगा शायद। ट्रेंट बोल्ट 3 मैचों में 2 विकेट, वेन्यू पे 21 मैचों में 22 विकेट, तो ट्रेंट बोल्ट का अच्छे रिकॉर्ड है। फैजल फारूकी 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 10 मैच में 16 विकेट है। स्लिम केले ने एक ही मैच खेला जिसमें 1 विकेट निकाला, बाकी वेन्यू पे 5 मैचों में 6 विकेट निकाले। एम रोहित खान के 1 मैच में 3 विकेट अगेंस्ट, तो भाई लास्ट टाइम इनके अगेंस्ट 3 विकेट निकाला था, और वेन्यू पे भी 3 मैचों में 3 विकेट निकाल रखे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रह सकता है। विपर की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, भाई एलेक्सएल के साथ ओपन करेगा रोहन मुस्तफा, उसके बाद गोलिन मुनरो, आजम खान, हसरंगा, एडम होज, रदरफोर्ड, अली नासिर, शाहफरीदी, मोहम्मद आमिर, लुकवुड और पति राणा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब इसमें टीम में चेंज होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम नजर, लास्ट में मिल्स खेला था तमाम मिल्स, इसके अलावा इस मैच में अगर साइंस अफरीदी नहीं खेलता तो फिर से वो आपको खेलता हुआ रिपीट दिखेगा। एलेक्सएल को देखो आप 43, उसके बाद 11-21-0-61-3-49-44, भाई इतने रिकॉर्ड दिखाने के पीछे रीजन ये है आपको कि आपको पता पड़े कि आपको रिस्क कौन से प्लेयर पे लेना है,
एक तो आपको हसरंगा दिख रहा है, एक आपको एलेक्सेल दिख रहा है, तो भाई रिस्क किस पे लेना है? एलेक्सेल पे लेना है। क्यों लेना? क्योंकि यहाँ देखो आप, कई बार इसका जो स्कोरिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ऐसे प्लेयर पे आप रिस्क ले सकते हो सकता है देखो चल भी जाए। तो आप देखो दो तीन टीम बनाते हो, कॉम्बिनेशन किसी में रखो, किसी में आप ऐसे प्लेयर पे ज्यादा रिस्क लो। बाकी जो कुछ प्लेयर है जो रेगुलर परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा, तो उनको आप फिक्स करके चलो तो आप हमेशा जीतोगे। रोहन मुस्तफा को देखो आप, 2, 14+0, 18, 50 रन, 1 विकेट, 10। भाई रोहन मुस्तफा प्लेयर अच्छा है, लेकिन सामने जो बॉलिंग है वो बहुत ही कड़क बॉलिंग आने वाली, तो हो सकता है फंस जाए। बात करते हैं मुंडरो की, 22, 6, 50, उसके बाद 0, 0, 16, लास्ट गेम में 51 बनाए थे, शानदार। यानी कि बीच बीच में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, मुंडरो को ट्राई कर सकते हो आप। आजम खान को देखो, 26, 9, 35, 20, 0, लास्ट गेम में 20 गेंदों में 50 नॉट आउट बना गया था, कैप्टन आया था ये, ठीक है ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगेंस्ट सर इस वेन्यू भी इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, और सामने जो बॉलिंग मिलने वाली है वो भी इतनी आसान नहीं मिलने वाली इसको, ठीक है तो थोड़ा सा फंस सकता है। बाकी कीपिंग से पॉइंट दे सकता है आपको। हसनगा की बात करते हैं, 14 रन 2 विकेट, 6 रन 3 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट, भाई सभी मैचों में विकेट है। हसरंगा आपके निकोलस पुरन को भी स्टार्टिंग में फंसा सकता है, क्योंकि कई बार अच्छी गेंद गुगली डालता है, वहां पे निकोलस पुरन हर गेंद को मारने को देखता है, तो कई बार वहां पे फंस जाता है, तो निकोलस पुरन पे आप चांस ले सकते हो। एडम ओज को देखो आप, 45, 39, 8, 11, 0, 35 और 1 नॉट आउट, भाई नीचे खेलने आ रहा है। बाकी रदरफोर्ड एडम होज में आप एक प्लेयर ट्राई कर लेना, अगर स्टार्टिंग में विकेट गिरेंगे तो ये प्लेयर भी अच्छे हैं। लास्ट टाइम रदरफोर्ड ने शानदार इनके अगेंस्ट 35 रन की पारी खेली थी, 20 नॉट आउट, 28, 4 और 35, उसके बाद 0, लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई थी। अली नासिर कोई खास रोल नहीं बन रहा भाई प्लेयर का, टीम ना बैटिंग को मौका दे रही है ना बॉलिंग को, ठीक है। शहनशाह अफरीदी 3 विकेट 0, 14 रन 1 विकेट, 17+0, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले थे, सॉरी लास्ट गेम इसने निकाले उससे पिछले गेम में 2 विकेट निकाले थे। मोहम्मद आमिर का सीजन अच्छा रहा है, 0, 1 विकेट 1 विकेट, 3 विकेट 1 विकेट, 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, स्लोअर भी डाल रहा है, कटर्स भी डाल रहा है, सब कुछ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर से रहेगा। इनके अगेंस्ट अच्छे 3 विकेट निकाले थे, फिर से मुझे लग रहा है कि अच्छे विकेट निकालेगा। लुकवुड 0, 3 विकेट 2 विकेट, उसके बाद विकेटलेस ही चल रहा है। पति राणा भाई बॉल फर्स्ट पे मैंने पहले बोल दिया था, बॉल फर्स्ट जब जब टीम करेगी पति राणा ड्रीम टीम का मेंबर आपको मिलेगा। 3 विकेट 1 विकेट 0, 2 विकेट 0, 2 विकेट, और दोनों दो दो विकेट का स्पेल है आपको पता है, पहले बॉलिंग करते हुए आया है, तो पहले बॉलिंग करता है तो वहां आपको छोड़ना है ही नहीं इस प्लेयर को, यहां से कोई खेलेगा नहीं। बात करते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की, एलेक्स एल 3 मैचों में 69 रन है, वेन्यू पे भी 3 मैच में 172 रन है, 86 की एवरेज है, तो भाई रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं एलेक्स एल के, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। हालांकि सामने से ट्रेंट बोल्ट और अकील हुसैन थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकते हैं, और हो सकता है ये भी अच्छे रन बना जाए। कोलिन मुंडो 3 मैच में 55 है, भाई वेन्यू पे 11 मैचों में 443 और 49 की एवरेज, भाई मुंडो इंपॉर्टेंट पिक नजर आ रहा है, क्योंकि उधर से एक लेफ्टार्मर दो लेफ्टार्मर डालेंगे, ठीक है, इसके अलावा एक दोनों एक लेफ्टार्म ऑर्थोडॉक्स है, एक लेफ्टार्म चाइना मैन है, तो वहां पे मुंडो थोड़ा सा रुक सकता है। एडम ओज कोई खास प्लेयर है नहीं। आजम खान को देखो भाई, 1 मैच में 20 रन है, भाई वेन्यू पे 7 मैच में केवल 97 रन, तो भाई रन इतने नहीं निकलते, बस इसको तो आप इस हिसाब से ले सकते हो, 20-25 रन भी कर जाए और विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट दे जाए। रदरफोर्ड 3 मैच में 95 रन है, वेन्यू अगेंस्ट तो अगेंस्ट अच्छा खेलता है, बाकी वेन्यू पे भी 10 मैचों में 254 रन, 36 की एवरेज, तो भाई रदरफोर्ड इंपॉर्टेंट पिक बन सकता है, टीम अगर ऊपर प्रमोट करती है तो तगड़ा प्लेयर है। रोहन मुस्तफा 3 मैचों में 24 है, वेन्यू पे 3 मैचों में 11 है, आसानी से ड्रॉप कर सकते हो, बाकी चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। हसरंगा को देखो, 1 मैच में 26 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैचों में 14 रन प्लस 4 विकेट, भाई हसरंगा मस्ट पिक प्लेयर है, सीवीसी की बहुत अच्छी पिक रहने वाला है। शहनशाह अफरीदी लास्ट टाइम इनके अगेंस्ट विकेट लेस रहा, वो वेन्यू पर 5 मैचों में 6 विकेट निकाले। बाकी आमिर की बात करें, 1 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 7 मैचों में केवल 2 विकेट, तो भाई वेन्यू वाली बात थोड़ी सी आप आमिर पे ट्राई कर सकते हो। पति राणा 3 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट, लुकवुड ने अगेंस्ट 2 विकेट निकाले, वेन्यू पे खेला नहीं। बात करते हैं मेगा ग्रैंडली के लिए जो बेहतरीन पिक बनने वाले, भाई कल के दोनों मैच देख लो चाहे पीछे को, हर बार आपको यहाँ से प्लेयर पिक होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी आपके लिए यही है कि आपको देखो लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पिक करना आना चाहिए, और कौन से प्लेयर पे रिस्क लेना है वो आना चाहिए, सीवीसी किस प्रकार से रखना है वो सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको, बस ध्यान से समझना है, और कॉम्बिनेशन बनाने, कॉम्बिनेशन की भी मैं बताता हूँ किस पर जगह कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। यहाँ देखो भाई, डब्लू स्लिम कैली फ्लेचर और एम रोहित खान, इसके अलावा पति राणा लुकवुड और रदरफोर्ड विप्पर की तरफ से। अब भाई ट्राई किस प्रकार करना है ये समझ लिया तो आपके लिए जीतना काफी आसान हो जाएगा। भाई अगर एमआई अमीरात की टीम पहले बॉलिंग करती है तो एमरोइड खान ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड में भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसने सेकंड में भी विकेट लिया है, ठीक है। बाकी फ्लेचर को और स्लैम कैली इसको आप फर्स्ट में ट्राई करना, भाई स्लिम कैली को इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, हालांकि आज का मैच थोड़ा डे का मैच है तो आप सेकंड में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतनी ड्यू आएगी नहीं 7 बजे तक, जब तक ये मैच 4 बजे से होगा तो 7 बजे तक ये पूरा हो जाएगा, ठीक ठीक है, तो इन प्लेयर्स में भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करें विपर की,
विपर में आपको बता दूं कि पतिराणा और लुकवुड बोल फेस्ट में आप दोनों के साथ जा सकते हो, और एक प्लेयर तो इनमें से ड्रीम टीम का मेंबर बनेगा। फिर रदरफोर्ड को आप ट्राई कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, अगर टीम के स्टार्टिंग में विकेट जाते हैं तो रदरफोर्ड वही फिनिश कर सकता है गेम को। प्लेयर अच्छा है, रिस्क हाई है, ये बात आपको ध्यान रखना, लेकिन आपको जो रिवार्ड मिलेगा इसके बदले वो भी हाई हो सकता है, ठीक है? तो रिस्क हाई है, बाकी देखो सारे प्लेयर्स एक ही टीम पे नहीं रखने, क्योंकि ये सारे रिस्की प्लेयर आपको पता है, और हर बार आप देखते हो ड्रीम टीम में यहां से आपको 3 प्लेयर 4 प्लेयर आसानी से मिलते हैं, तो इन प्लेयर्स को आपको रोटेट करना है, ठीक है? अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन किस प्रकार रखोगे। यहां देखो आप निकोलस पुरन फ्लेचर को लिया, निकोलस पुरन परेरा, आपको निकोलस पुरन पे रिस्क ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि हसरंगा अच्छा प्लेयर है और इनकी जो बॉलिंग है वो काफी अच्छी है, पतिराणा की भी अच्छी बॉलिंग, कई बार स्लो डालता है तो फंसा सकते हैं भाई, लास्ट टाइम भी फंसा था इनके अगेंस्ट, फिर से पूरन फंस सकता है। बाकी बात करते हैं मुंड्रो, टीम डेविड एलेक्स एल मुंड्रो और विलास मोहम्मद को लिया है, यहाँ लिया है हसरंगा को दोनों टीमों में। हसरंगा भाई फिक्स प्लेयर है मेरा, चलो नहीं चलो चाहे, मैं हसरंगा को हमेशा फिक्स ही रखता हूँ, ठीक है? ये फिक्स ही है प्लेयर, लगभग चलता है 100 में से, मेरे को 90 मैच ही जिताता है, ठीक है? 10 मैच की परवाह करनी है नहीं, अच्छा प्लेयर है। ट्रेंट बोल्ट, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, अकील हुसैन, पति राणा, एमरोइड खान, शहनशाह अफरीदी, आमिर, पति राणा, ठीक है? स्लिम केली, अकील हुसैन, यानी दोनों स्पिनर्स मैंने इनके रखे हैं, आप एक स्पिनर की जगह एक पेस बॉलर फैजल हक फारूकी को ट्राई करना, अच्छा प्लेयर है, रेगुलर अगेंस्ट भी विकेट निकाले, वेन्यू पे भी अच्छे विकेट निकाले। देखो यहाँ आपको हर प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आपको चेंज क्या करना है, क्योंकि दो टीमों में मैं सारे प्लेयर्स आपको लेकर ये नहीं बताना चाहिए, एक साथ कैसे बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको चेंज करना है, ऐसे तो है नहीं कि 11 इसके ले लिए 11 इसके ले लिए, आपको बता दिए जो चीज पॉसिबल है वही कॉम्बिनेशन आपको बतानी चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करता हूँ तो भाई हसरंगा बहुत ही अच्छी पिक है, बॉल फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, इसके साथ वीसी पतिराणा या फिर मोहम्मद आमिर जो अच्छे चल रहे हैं, ठीक है? बाकी इनकी बात करें तो इनके पास भाई एम रोहित खान को आप फिर से वीसी ट्राई कर सकते हो, डेथ में बॉलिंग कर रहा है, बाकी ट्रेंट बोल्ट अच्छा ऑप्शन है उधर से आपको, लेकिन ट्रेंट बोल्ट अगेंस्ट इनके इतना अच्छा नहीं चला है, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा कम रिस्क ले। बाकी निकोलस पुरन भाई, पुरन ये है कि फ्लॉप भी हो सकता है, लेकिन पुरन ये है कि पुरन इनका काम बढ़ा भी सकता है, आपको पता है किस प्रकार से पुरन खेलता है जब फॉर्म में आता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप पुरन ट्राई कर सकते हो, एलेक्स एल थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बाकी आप मुंड्रो को विसी ट्राई करो। कुशाल परेरा अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट आर्मर है सामने, और लेफ्टी बैटर अच्छा खेलता है लेफ्ट आर्मर को, स्टार्क को भी अच्छे छक्के मारे हैं इसने, अच्छा प्लेयर है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको सीवीसी रखना है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।